Hello students, now in today's video we will discuss about the various important questions, or we can say the short questions which are related to the first unit, introduction. Now I have posted two pictures, two pages have been posted on your screen. You can go through various questions given out there, and among all these questions, these are basically the short question answers in which you will study about various important concepts. They are discussed in these question answers. Now if we study them one by one, like the first question, or we can say the question number 4 on your screen, it is about define economy. Economy, the definition of economy has been given out there. Now question number 5, what do you mean by economic problem? Economic problem is the problem of making choices out of various alternatives available to us. And various other questions related to economic problem are also given out there. I am discussing only the most important questions, or the questions in which you may face out some problems. What is economics all about? Question number 9. Economics all about making choices in the presence of scarcity. जब shortage होती है तो उसके अंदर जो choices वगैरह जो बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है economic problem. Various definitions or the meaning for microeconomics as well as the macroeconomics is given. You can look question number 11 and 13. क्वेश्चन नंबर 14, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज. इसमें जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर बेसिकली क्या आता है, एक तो नेशनल इनकम आता है, एक दूसरा इसके अंदर जो प्राइस लेवल आता है. प्राइस लेवल मतलब कि प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, इसमें देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. उसके बाद इन तीनों का मीनिंग यहाँ पर गिवन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, 20 में और 21 में, व्हाट टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस है और फॉर होम टू प्रोड्यूस है. एक बार फॉर होम टू प्रोड्यूस को डिस्कस करते हैं, इसमें देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, द प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स, अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी. मतलब एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करे जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको नाम दिया जाता है क्या, इसमें फॉर होम टू प्रोड्यूस. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. ऑन द नेक्स्ट पेज अगेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर डिस्कस्ड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. क्वेश्चन नंबर 27, गिव एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. इसमें इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस गिवन है, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ रिजर्व्स गिवन है, इन वेरियस अदर पॉइंट्स यू कैन आल्सो राइट. क्वेश्चन नंबर 29, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्सेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अर्थक्वेक और साइक्लोन. जब अर्थक्वेक और साइक्लोन आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे कम हो जाते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, स्टेट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को राइज करती हैं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा हूँ मैं आपको. इसके अंदर एक तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्केयर्स होते हैं, शॉर्टेज होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके क्या होते हैं, इसमें ऑल्टरनेटिव यूजेज होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 34, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा क्वेश्चन है, वन मार्क में कई बार आता है. इट इज़ द रेशो ऑफ द यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड. मतलब कि एक यूनिट का प्रोडक्शन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो दूसरे का हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या उनका जो रेशो जो होता है उसको नाम दिया जाता है MRT या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे एक बार, अ कंट्रीज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एग्जिस्ट. What advice will you give to raise the efficiency level of human resources to fight scarcity? इसके लिए क्या होता है, मतलब कि कई बार क्या होता है, इसमें resources की बहुत ज़्यादा shortage हो जाती है और production करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो उसको हम किस तरह से solve कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखेंगे, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना, सो दैट दे कुड बी हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस न्यू रिसोर्सेज इन द इकनॉमी. क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे एक बार,
द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रमोटिंग द फॉरेन कैपिटल. गवर्नमेंट ने जो फॉरेन कैपिटल को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया. व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. गवर्नमेंट ने जो प्रमोट करा इसे फॉरेन कैपिटल को, ये क्वेश्चन नंबर 39 दिखा रहा हूँ मैं आपको. इसमें क्या कहता है, इसको किस तरह से हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर इसमें पॉइंट आंसर गिवन है. इसमें इट विल इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज द राइज इन द प्रोडक्शन पोटेंशियल ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज. तो होता क्या है कि जब इसमें फॉरेन कैपिटल जब कंट्री के अंदर आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन फ्लो इंक्रीज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो पाएगी. यू कैन गो थ्रू वेरियस क्वेश्चंस गिवन ऑन द टू पेजेस. क्वेश्चन नंबर 4 to 39 मीन्स ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 35 क्वेश्चंस आर गिवन आउट देयर. आंसर्स आर ऑल्सो गिवन आउट. यू कैन गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स वेरी केयरफुली. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इट इन द ग्रुप. थैंक यू.